ये रैपरिस का प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह। रैपरिस का प्लग इन किया है तो टर्निंग ऑन करते हैं अब इसको। अगर लाइट्स ऑन होती हैं इसकी बैटरी चार्जिंग की भी और टर्निंग ऑन की भी, लो दोनों लाइट्स ऑन नहीं हो रही, बिल्कुल डेड कंडीशन है। तो चलें चेक करते हैं इसको। जी बिस्मिल्लाह, ये वीवो बुक है फ्लिप असूस में। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है, ये ओपन कर लेंगे पहले इसको। असूस वीवो बुक है फ्लिप 14। ये अडाप्टर्स का प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह। अडाप्टर्स का प्लग इन किया है तो टर्निंग ऑन करते हैं अब इसको। किसी किस्म की कोई लाइट ऑन नहीं हो रही। चार्जर ओके है इसका, चार्जर के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज आ रहे हैं चार्जर के, ठीक है, 19 वोल्ट पूरे हैं इसके। बिस्मिल्लाह। अगर लाइट्स ऑन होती हैं इसकी बैटरी चार्जिंग की भी और टर्निंग ऑन की भी, लो दोनों लाइट्स ऑन नहीं हो रही, बिल्कुल डेड कंडीशन है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। तो ये बैक के ऊपर इसके जितने भी स्क्रू हैं तो सारे स्क्रू ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। पहले ये डी कवर इसका ओपन कर लेंगे, ठीक है, स्क्रीन ओपन कर ली है हमने। ये डी कवर ओपन हो गया इसका, ये मदरबोर्ड हमारे सामने आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि ये काफ़ी देर बंद भी रहती है लैपटॉप, तो उसके बाद सभी ये इशू आ जाता है। तो सबसे पहले आपने इसकी जो बैटरी है ना, ये डिसकनेक्ट कर लेनी है। बिस्मिल्लाह। लें जी, ये बैटरी का जो जैक है ये डिसकनेक्ट हो गया, बैटरी का जैक डिसकनेक्ट हो गया। अब इसका सीमोस जो है ना, वो तो नॉर्मल नहीं होता क्योंकि सीमोस इसके अंदर ही होता है। तो फिलहाल इसको बैटरी का जो जैक है हमने डिस्कनेक्ट करके अब इसको चार्जर के ऊपर एक दफ़ा ऑन करेंगे, चार्जर लगाएंगे इसको अब। बिस्मिल्लाह। नहीं जी, अब चार्जर लगाते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। चार्जर लगाया है लेकिन अभी भी टर्निंग ऑन नहीं है, कोई लाइट ऑन नहीं है इसकी। ये पावर वाला बटन पुश किया है हमने, नहीं लाइट्स किसी किस्म की कोई भी ऑन। अभी इसके जो वोल्टेज वगैरह है वो हम चेक कर लेंगे पहले। ये चार्जर के जो वोल्टेज हैं ये पहले चेक कर लेंगे, इधर के चार्जर के वोल्टेज आ रहे हैं इसके ऊपर। वोल्टेज आ रहे हैं पिन के ऊपर, कुछ चीज़ चेक कर लेंगे इसकी, गर्म तो नहीं हो रही। काफ़ी आईसी वगैरह ये चीज़ जो है ना, इधर से कुछ चीज़ जो है ना वो हीटअप हो रही है। ये कॉइल है, ये को ट्रांसफर है, पहले ये ओपन कर लेंगे। ये शीट इसके ऊपर लगी हुई है, शीट उतार के इसकी तो चेक करते हैं कौन सी चीज़ जो है ना वो गर्म हो रही है।
ये भी इधर से कुछ चीज़ हीट अप हो रही है, चार्जर लगा लेंगे ज़रा ताकि पता चल जाए। ये कुछ मेरे ख्याल से ट्रांसफर है या NBN है या PNP है, ये देखेंगे कौन सी चीज़ है। हीट अप हो रही है ये, ये एरिया जो है ना हीट अप हो रहा है। अब ये देखते हैं ये किस चीज़ का एरिया है, 3-5 का है, 3 वोल्ट का है या 5 वोल्ट का है, ये किस चीज़ का एरिया है।